नमस्कार, मेरे साथ नम्रता शर्मा। लद्दाख में पिछले 6 महीने से तनाव है। सीमा पर सेना और मिसाइल से लेकर लड़ाकू विमान गलवान घाटी में तैनात कर दिए गए हैं और भारत पर दबाव की रणनीति खेल रहा है। लेकिन भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वही कर रहा है जो चीन कर रहा है। मतलब ये है कि भारत ने भी मिसाइल और लड़ाकू विमान और तोप तैनात कर दिए हैं। इसके साथ साथ अपने सैनिकों की संख्या 40,000 से ऊपर कर दी है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक एस्पर ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि भारतीय हर दिन हिमालय क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का सामना कर रहा है। चीन भारत पर सैन्य दबाव डाल रहा है। एस्पर का ये बयान भारत यात्रा से ठीक पहले आया है, जहां पर वो और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत के साथ 2+2 बातचीत करने वाले हैं। यहां पर एक जानकारी देते चलें कि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा था कि चीन ने LAC पर 60,000 सैनिक जमा कर रखे हैं। यहां पर एक और बात आपको बताते चलें कि एक अन्य सवाल के जवाब में एस्पर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बहुत सक्षम देश है जहाँ के लोग बेहद प्रतिभावान हैं। यहाँ पर एक जानकारी ये भी देते चलें कि अमेरिका कोरोना से काफ़ी परेशान है और कोरोना की वजह चीन को माना जाता है और उसी को लेकर चीन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। चीन को लेकर अमेरिका पूरी तरह से भारत के पक्ष में है और दक्षिण एशिया में चीन को रोकने के लिए ताइवान, म्यांमार, हांगकांग सबकी मदद कर रहा है और चीन उसी से नाराज है। इसके साथ साथ दक्षिण एशिया में चीन दूसरे की जमीन हड़पने का एक अभियान चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे देश चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भारत के पक्ष में अमेरिका का खुलकर आना और चीन को धमकाना भारत के प्रति अमेरिका की दोस्ती दिखाता है और यही कारण है कि चीन भारत पर हमला करने से डर रहा है। ऐसे समय में अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान काफी मायने रखता है। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, हमारे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं।